देखिए, राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, प्रमुख विपक्षी दल के नेता है। तो राहुल जी की जो बात है वो बात भी गंभीरता से सुननी चाहिए। ज़रूर मोदी जी की जो सरकार है उनको 7 साल हो गए, 5 साल वाली एक पहली सरकार बनी, बाद में 2 साल की जो 2 साल पूरे कोरोना में चले गए रह गए, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी देश जो चल रहा है वो पुराने 60 साल का जो लेखा जोखा हम देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, उसी पुण्य पर देश चल रहा है। वही नया तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर सरकार को लोग चुन कर देते हैं बहुमत से, तो उसका मतलब है इस सरकार को, लोगों को विश्वास और बहुमत मिला है। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है, लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी अंबानी टाटा बिरला नहीं बनना है देश में, बस रोजगार चाहिए ठीक से, रोजी रोटी चाहिए ठीक से, अगर ये भी मिल जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये सरकार ने आत्मचिंतन करना चाहिए, क्या 7 साल में देश की जनता को यह सब मिला है? मुझे लगता है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। नक्कीच प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झाली, वर्ष जात असतात, याआधी सुद्धा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक वर्ष गेली, पण पंडित नेहरूंपासून ते राजीव गांधीपर्यंत, नरसिंह राव मनमोहन सिंग यांच्या सरकारपर्यंत जर आपण एक लेखाजोखा पाहिला तर हा देश उभा राहिलेला दिसतो। या देशामध्ये अनेक योजना, अनेक प्रकल्प हे आपल्या समोर दिसत आहे। देशाची अर्थव्यवस्था आपण पाहिली आणि त्याच मागच्या पुण्याईवर आजही देश तरलेला आहे। आजही मागची 7 वर्षसुद्धा हे कोणालाही नाकारता येणार नाही। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडे पूर्ण बहुमत, लोकांनी त्यांच्यावरती विश्वास व्यक्त करून त्यांना सत्तेवर बसवलं आहे। 2 वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेलेले आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी यांच्याकडे नेतृत्व क्षमता उत्तम प्रकारे आहे आणि आजही त्यांच्याकडून आपण ही अपेक्षा करू शकतो की ते देशाला योग्य दिशा आणि जनतेला योग्य मार्ग दाखवतो। जनतेच्या अपेक्षा फार कमी असतात इतक्या मोठ्या 125 कोटी लोकसंख्येच्या। रोटी कपडा मकान जरा आपण प्रत्येकाला टाटा बिरला अंबानी अडानी हे व्हायची गरज नाही आहे, त्यांची अपेक्षाही नसते। त्यांना महागाईशी सामना करायचा असतो, त्यांना रोजगार हवा असतो, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि शिक्षणाविषयी सुविधा हव्या। या सगळ्या गोष्टी आपण गेल्या 7 वर्षात उत्तम प्रकारे देऊ शकलो होतो, हा विचार, हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारायचा।